हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा स्टूडियो में स्कोर कार्ड कैसे लगाएंगे, फिल्टर कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आपको lookerstudio.com पे जाना है। बाकी ये डैशबोर्ड आपको खुलेगा तो मैं बिल्कुल एक फ्रेश डैशबोर्ड बनाऊंगा जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें कैप्चर करूँगा, स्कोर कार्ड, फिल्टर और न्यू फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक ले लेता हूँ और ब्लैंक लेने के बाद में ये देखिए, अब जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो आपसे डेटा सोर्स पूछता है। तो डेटा सोर्स आपका जो भी हो, ठीक है। फिलहाल मेरा जो है गूगल शीट है, तो मैं गूगल शीट ले लेता हूँ। और मैं, ये मेरा टेबल है, तो मैं सबसे पहले इसका नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको सर्च करूँगा। देखिए आ गया। अब ये पूछता है कि आपको टैब कौन सा है। अगर टैब देखेंगे तो यहाँ पे डेटा का टैब पड़ा हुआ है, तो डेटा का टैब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद से मैं इसको यहाँ पे एंड ऐड करता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, कुछ सेकंड लेता है, ये ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल लेके आ जाता है ये। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक टेबल ये जनरेट कर देता है। फिलहाल हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं। स्कोर कार्ड फिल्टर। अब जो है इस टेबल को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। आपको ये डेटा आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब चलते हैं इसका ऐड डेटा पे नहीं, ऐड चार्ट पे करते हैं। और ये आपका यहाँ पे ये देखिए, ये वाला मिल जाता है आपको स्कोर कार्ड। आप जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे खुल जाता है टेबल। ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये डिफ़ॉल्ट में काउंट ले लेता है, लेकिन अभी हम इसको कुछ और करेंगे। ये देखिए यहाँ पे काउंट ले रखा है ये। अब आपको काउंट कराना क्या है, ये आपको यहाँ फील्ड फील्ड जो है चेंज करना होगा आपको। तो देखिए अभी फील्ड जो है मैं यहाँ पे ये अमाउंट वाले फील्ड को ऐड करूँगा। तो आपको जो है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करना है और ये वाला जो है टेबल आपको यहाँ पे सम सेलेक्ट करना है। एवरेज करना हो तो एवरेज कर सकते हैं, बाकी काउंट कराना है तो काउंट करा सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। तो अब जो है इसमें ये स्कोर कार्ड तो आ गया, बाकी इसमें अगर आपको कंपैरिजन डालना है, कंपैरिजन डाल सकते हैं कि जो भी हम मंथ सिलेक्ट करते हैं या जो भी टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, पुराने डेटा से आपको मैच कराना है तो यहाँ पे आता है प्रीवियस पीरियड डाल सकते हैं कि जो आप फिल्टर जो आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे उतना डेटा वो पीछे चला जाएगा, उतना टाइम पीछे जाके वो कंपैरिजन बनाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब जो है अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका ना सही से लुक क्रिएट कर देते हैं। तो आपको आना है इसमें स्टाइल वाले के अंदर आना है और ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। अब देखिए इसका लेबल है, यहाँ पे लेबल कलर डाल सकते हैं आप। ये देखिए लेबल, ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है इस तरीके से, ये कलर चेंज हो जाएगा। इसको लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन कराना है तो देखिए देख सकते हैं। ठीक है, सेंटर में लेना है सेंटर में ले सकते हैं। और इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसका शेप राउंड में करना है तो राउंड शेप में आपको यहाँ मिल जाता है, चारों कोने जो है राउंड हो जाएंगे। अगर आप अगर थोड़ा सा बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, आप 20 कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए राउंड हो गया। इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं और नीचे चलते हैं। इसमें ये बहुत सारे चेंजेज हैं, आप चेंजेज कर सकते हैं इसमें सॉलिड, ये सब कुछ है। ठीक है, अब हम असली बात पे आते हैं कि अब जो है इसके अंदर एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर जब लगाएंगे तो वो आपको जो यहाँ पे कंपैरिजन दिखता है प्लस माइनस का, डाउन मतलब एरो नीचे होता है या एरो ऊपर होता है, तो यहाँ पे आप तो यहाँ से हमने चार्ट ऐड किया, यहाँ से हम कंट्रोल को ऐड करते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं,
फिक्स साइज लिस्ट लगा सकते हैं, इनपुट बॉक्स लगा सकते हैं, एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं, स्लाइड, टिक बॉक्स, डेट रेंज। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेट रेंज लगा देते हैं, एक छोटा सा डेट रेंज लगाते हैं। और देखिए इस पे ना मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मुझे अभी सिलेक्ट करना हो दिस मंथ का टुडे इंक्लूड कर देता हूँ। तो अभी देखिए आपको ये, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपका थोड़ा सा फॉन्ट में बढ़ा देता हूँ, इसके फॉन्ट में परेशान कर रहा है ये फॉन्ट, कहाँ गया फॉन्ट डिसिमल, ये है फॉन्ट आपका, यहाँ पे 36 कर देता हूँ, नहीं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको 48 कर। तो ये देखिए ये ना, ये आपको यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि जो जो भी टोटल अमाउंट है, मतलब कि ये डाउन में ही चल रहा है, 4 मतलब 5% का लगभग जो है ये, जो जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल है, तो इस तरीके से आप 1 मार्च से 11 मार्च तक का डेटा देखेंगे तो ये इसका रेशियो कम है, मतलब इसमें सेल कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कोर कार्ड को बना सकते हैं। और अभी हमने एक फिल्टर लगाया है, ठीक है, अभी फिल्टर कंट्रोल भी हमने लगा दिया,